जहां बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो सकता है। आज दोपहर बाद बिहार बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी होगा। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकेंगे। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। बता दें कि फरवरी 2024 में ऑनलाइन मोड में परीक्षा हुई थी। परीक्षा के बाद 5 महीने से अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में है। विशेष शिक्षक के 7229 पद पर बहाली होगी। इसके लिए बीएसईबी ने 2023 में विज्ञापन जारी किया था। तो विशेष शिक्षक और 2023 में इसका विज्ञापन जो है वो जारी किया गया था और माना जा रहा है कि आज जो रिजल्ट है वो सामने आ सकता है। अभ्यर्थी इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट आप देख सकेंगे। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। बता दें कि फरवरी 2024 में ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा ली गई थी। दोपहर बाद आज रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो सकता है। बीएसईबी की साइट पर भी अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख पाएंगे। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। बता दें कि फरवरी 2024 में ऑनलाइन मोड में परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के बाद 5 महीने से अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में हैं और आज इंतजार खत्म हो सकता है। विशेष शिक्षक के 7229 पद पर बहाली होगी। इसके लिए बीएसईबी ने 2023 में विज्ञापन जारी किया था और इस रिजल्ट को लेकर के अपडेट ये कि रिजल्ट आज जारी हो सकता है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, 23 अगस्त से सक्षमता परीक्षा 2 की शुरुआत होगी। 85,000 से ज्यादा शिक्षक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। बिहार बोर्ड जो है जल्द ही परीक्षा तिथि की घोषणा भी करेगा। खास बात यह है कि परीक्षा पास होने के बाद नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी बन सकेंगे। आपको बता दें कि सक्षमता 1 की परीक्षा में कुल 1,87,000 अभ्यर्थी पास हुए थे और अब सक्षमता 2 की परीक्षा ली जाएगी। जैसा कि पहले से बताया गया है कि जो शिक्षक हैं उन्हें करीब करीब 3 से 5 बार मौका मिलेगा। तो अब सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 23 अगस्त से सक्षमता परीक्षा 2 ली जाएगी। 85,000 से ज्यादा शिक्षक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। नई दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत के बाद पटना डीएम एक्शन में दिख रहे हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संस्थानों की जांच का आदेश दिया है। पटना में अनुमंडलवार जांच टीम का गठन किया गया है। इस जांच टीम में 6 सदस्य होंगे जिसका अध्यक्ष इस डीएम को बनाया गया है। हायर ब्रिगेड के अधिकारी सीओ बीओ और क्षेत्र के थानाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। ये टीम कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। बिल्डिंग बायोलॉज के साथ ही फायर सेफ्टी, एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था कैसी है इसकी जांच की जाएगी। साथ ही इमरजेंसी हालात से निपटने की व्यवस्था की भी ये टीम जांच करेगी। तो देखिए जिस तरीके से दिल्ली में बड़ा हादसा सामने आया और इस हादसे को सबक लेते हुए लगातार अब इसका एक्शन जो है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पटना में